डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर आज हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल आपके 6 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप आप फर्स्ट ईयर पढ़े हो, 13-14, यहां पर 15-16-17 और 18 ग्रुप है। अभी 15 ग्रुप पर थोड़ा डाउट है, पिछले साल कोर्स में हट गया था, कोर्स से हट गया था, अभी साल फिर हट हुआ है, लेकिन इसको हम लोग बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले 16 ग्रुप पढ़ेंगे। याद रखिएगा, पी ब्लॉक बहुत ही वेटेड वाला चैप्टर है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं है। रीजनिंग क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, जो कंपाउंड्स है उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ठीक, तो चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जितना ज्यादा ज्यादा आप शेयर कर सकें, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि और ज्यादा आपको वीडियोस मिलते रहें, और ज्यादा जो है कंटेंट आपको दिए जाए, जिससे आप अपने नीट और आईआईटी के एग्जाम तक को आसानी से क्रैक कर सकें। सो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ 16 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। 16 ग्रुप को हम लोग चालको जेंस बोलते हैं। चालको जेंस का जनरल नाम है ओर जनरेटिंग एलिमेंट्स, ओर जनरेटिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, मैक्सिमम और ऑक्साइड या सल्फाइड्स है। दूसरा ये ग्रीक वर्ड है, ब्रास से लिया गया है। तो ब्रास भी जो आपका है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, और उसमें सल्फाइड्स होते हैं। तो ये ब्रास वर्ड से भी आपको एनसीईआरटी में लिखा होगा, ब्रास वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड है। और जनरली ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बेसिकली सल्फाइड बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं चालकोजेंस। आप देखिए 16 ग्रुप में जो आपके एलिमेंट्स है बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16, इसमें 18 जोड़िए 34, 18 जोड़िए 52, 32 जोड़िए 84। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेलोनियम मेटालॉइड्स हैं, और पोलोनियम मेटल है लेकिन पुअर मेटल है और रेडियो एक्टिव इन नेचर है। इसका शॉर्ट बहुत ही शॉर्ट लिविंग एलिमेंट है, लिविंग एलिमेंट। इसका हाफ लाइफ पीरियड बेटा 13.8 डेज है। 13.8 डेज का मतलब हुआ कि अगर आज आपने 1 ग्राम पोलोनियम को लिया तो 13.8 दिन बाद, 13.8 डेज बाद ये 0.5 बचेगा, फिर अगले 13.58 डेज बाद ये 0.25 ग्राम बचेगा। ऐसे इसका डीके होता रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डीके या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो दो मेटल लाइट माने जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और लास्ट वाला है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, शॉर्ट लिविंग एलिमेंट, और जो कि रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसकी स्टडी बड़ी मुश्किल होती है। हम बाकी जब रिएक्शंस की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो ज्यादातर बात करते हैं। अब हम इनमें देखते हैं कंडीशन में, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं नीट वाले जो बच्चे हैं स्पेशली, वहां क्वेश्चन यहां से बनता है, अकरेंस, ये एलिमेंट्स कहां पाए जाते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द अकरेंस, ऑक्सीजन आप पढ़ते आते हो कि एयर का 20.946% अप्रोक्सिमेट 21% पार्ट ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम है। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है 46.6% इन द अर्थ क्रस्ट। वाटर में ये 89% पार्ट ऑफ द वाटर होता बाय मास, ये तो ऑक्सीजन का अकरेंस है। ऑक्सीजन हमारे सरफेस पे माने पृथ्वी पर अर्थ पे ऑक्सीजन जनरेट करने का जो सबसे मेन सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स है। जो
जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी, ग्रीन प्लांट्स जितने होंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस उतनी ज्यादा होगी और हमारा सर्वाइवल उतना ज्यादा होगा। तो ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे डेवलप करते हैं, आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, ये रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये उसके लिए भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और ऑक्सीजन गैस अलॉट ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब हुआ जो ग्रीन प्लांट है वो दिन में CO2 गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिससे हमारा आपका जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर बहुत ही कम मात्रा में अर्थक्रस्ट पाया जाता है, 0.03 से 0.1%। ये वोल्केनिक स्पेसेस में, प्लेसेस में ज्यादा जहां ज्वालामुखी होता है, आपने पढ़ा है, सुना होगा जापान में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है, वोल्केनिक रीजन ज्यादा है, जापान, साउथ अमेरिका, रशिया और हिंदुस्तान में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल में, हिमाचल की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एक वोल्केनिक रीजन है जहां पर ये पाया जाता है। सल्फर कंबाइंड स्टेट में आपका जो है वो जिप्सम सॉल्ट में पाया जाता है, जिसका फार्मूला CS फार्मूला जरूर याद रखिएगा, जो नीट वाले भी स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं उनके यहां क्वेश्चन जरूर आता बता दे रहे हैं। जिप्सम सॉल्ट CSO4.2H2, जिप्सम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, MgSO4.7H2O, बेराइट BSO4, मेटल सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेड सल्फाइड गैलना बोलते हैं, जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड, कॉपर पाइराइट CO3SO2, ठीक है। सल्फर एग में भी पाया जाता है, प्रोटीन में, गार्लिक में, अनियन में और थोड़ा सेलेनियम एंड टेलुरियम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेलेनाइट्स एंड टेलुराइट्स इन द सल्फाइड और इन द अर्थ क्रस्ट। पोलोनियम इन द डीके प्रोडक्ट ऑफ द थोरियम एंड यूरेनियम। डीके माने होता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ये दो तरह का होता है बेटा, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में, आर्टिफिशियल जो हम कराते हैं लैब में। तो जब थोरियम और यूरेनियम का न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में पोलोनियम बनता है। यूरेनियम का एक कोर है पिच ब्लेंड जिसमें पोलोनियम 5×10⁻% होता है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, 16 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2NP4, ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या बैलेंस सेल कैसे होता है। देखिए ऑक्सीजन है 8, सल्फर है 16, 1s2 2s2 2p4, देखिए NH2NP4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये देखिए NH2NP4। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। सेकंड एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो जब आप किसी पीरियड में मूव करते हो ऑन मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज माने ई बाय आर रेशियो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब आप किसी ग्रुप में मूव करते हो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीजेस
ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब हुआ बेटा जब हम सिस्टीन ग्रुप में मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पोलोनियम रेडियम की बात नहीं करते, तो एटॉमिक साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, टेलुरियम की, सबसे छोटी साइज किसकी होगी, ऑक्सीजन। एटॉमिक एंड आयनिक साइज क्या करेगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, नाउ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन फर्स्ट, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक को पढ़ा है कि आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ कैटायन, माने किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, या जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। जैसे बेटा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालकर ये हमने कैटायन बनाया, कैटायन भी गैसियस फॉर्म में होगा, तो जो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज होगा, उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी तीन बातों पर बेसिकली डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, EIR रेशियो, 30 न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आयनाइजेशन एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, because atomic size is reciprocal to nuclear charge. Atomic size badhegi, ionization energy ghategi, atomic size ghategi, ionization energy badhegi. To jab aap left to right jaate ho, atomic size choti hoti hai, ionization energy badh jati hai. Down the group aate ho, atomic size badi hoti hai, ionization energy kya ho jati hai, kam ho jati hai, ghat jati hai. Theek, dusri baat, jab hum electronic configuration ki karte hain, jo aapko yahan par samajhna hai, कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकंप्लीट ऑर्बिटल्स, जैसे बेटा P3, P4, P6। अब आप देखिए P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, तीनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गए। तो ये देखिए तीनों के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसे बोलेंगे हाफ फील्ड, इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट फील्ड, और ये हो गया फुल फील्ड। फुल फील्ड इन मोर स्टेबल देन हाफ। अगर हम बात करेंगे 15 ग्रुप और 16 ग्रुप और 17 ग्रुप, चलें भी 15 और 16 में कंपेयर कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP3, इसका NH2NP4। इलेक्ट्रॉन यहां कहां से निकलेगा बेटा, पी में, हमें रिमूव कराना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी आप बोलिए, आप आयनाइजेशन एंथैल्पी लीजिएगा, एनसीआरटी आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड है, यहां पर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन,
कहां पर एनर्जी आपको ज्यादा देनी होगी, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के या इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को। तो एनर्जी विल बी फर्स्ट और ये फर्स्ट, माने आपको ये एनर्जी ज्यादा देनी होगी। अब देखिए उल्टा हो गया मामला, ये लेस स्टेबल हो गया इनकम्प्लीट फील्ड, ये मोर स्टेबल हो गया हाफ फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालना है, अब आपको कहां एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहां पे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट। इसीलिए बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 लूप इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 16 लूप, वेयर एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 16 लूप इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 लूप। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 16 लूप एलिमेंट्स आर हायर, सॉरी 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर लोअर देन 15 ग्रुप एलिमेंट्स, जबकि आप क्या पढ़ते जा रहे हो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, तो नियम था 16 की ज्यादा होनी चाहिए 15 से, लेकिन 15 की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या ज्यादा है ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे आ गया कि व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आप क्वेश्चन में आप कर चुके हो, नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, तो ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन केस ऑफ नाइट्रोजन P3 इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन ऑक्सीजन। तो यहां पर एक बात ये क्लियर हो गई कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स आर हायर देन 16 ग्रुप एलिमेंट्स, वेयर इन केस ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वाइज वर्सा। आप देखिए ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम कैडमियम, आप देखिए एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी घटेगी, डाउन द ग्रुप तो घटेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है क्यों साइज बढ़ रही है। हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जिसको EYR रेशियो बोलते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से किसी स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, उसी तरह से किसी स्टेबल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना भी मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू ऐड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऑन एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। जैसे बेटा ए कोई आपका गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने पर ये गैसियस आयन बन गया, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, यहां एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होगी, आयनाइजेशन में एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एक्सोथर्मिक है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज रेसिप्रोकल टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या होगा, इट इज difficult to add extra electron
इन स्टेबल ऑर्बिटल्स। ठीक, अब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। नियमता ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी सबसे, फिर सल्फर की कम, सेलेनियम की, टेरियम। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फिर घट रही नीचे। तो ऐसा क्यों हो रहा, वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एस इज ग्रेटर देन ओ। सेम वही जो आप फर्स्ट ईयर में फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए पढ़ते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा, देखिए ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होना है 2p में, यहां पर 3p में, इसकी साइज कैसी है, कॉम्पैक्ट है। ठीक, अब इस कॉम्पैक्ट साइज है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को आना क्या होगा, मुश्किल होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा। तो ड्यू टू द कॉम्पैक्ट साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर निगेटिव देन ऑक्सीजन, आर यू से द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट साइज ऑफ द 2p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप घटेगी, बट याद रखिएगा द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, आर यू से द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम बॉन्डेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड, या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेसिप्रोकल टू एटॉमिक साइज, या कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ई बाय आर रेशियो बोलते हैं। ठीक, ओ इज ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज का रेसिप्रोकल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप पढ़े हो कि किसी जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, पीरियड में जाते हैं एटॉमिक साइज घटती है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स 15 14 से ज्यादा बट 17 से कम होगी। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो आज आप लोग इतना पढ़िएगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कल आपको जो लेक्चर होगा आपका उसमें कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन माने हाइड्राइड ऑक्साइड हैलाइड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आज आप इतना कंप्लीट करिए, कल की वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। थैंक यू।